धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, क्यों हम सब अपने आँख को बंद करें और आज की सुबह हम परमेश्वर के हाथों में सोपे प्रार्थना के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर, वी थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते मेरे अब परमेश्वर आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीष के लिए प्रभु। प्रभु हम कुछ भी नहीं प्रभु तेरे सामने, बस तूने हमसे प्रेम किया है और अपना प्रेम हम लोग को दिखाया है प्रभु, बस वही प्रेम में हम बढ़ते जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है तुझसे प्रभु। हमारे कलीसिया के सारे लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करते, जो यहाँ पर मौजूद है, जो रास्ते पर है, जो घर पर है, जो तैयार होता है जहाँ कहीं भी वह है प्रभु, सभी को आज हम प्रार्थना करते। हर एक टोटल चर्चेस के लिए भी हम प्रार्थना करते, वहाँ की मेम्बरान के लिए सभी को प्रभु हम तेरे सन्मुख उठाते प्रभु। शायद वे बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करते कि वे चंगा होकर अभी और तैयार होकर कलीसिया में जाए, इकट्ठा होए, ताकि हम सब मिलकर तेरी आराधना और प्रशंसा करें प्रभु। धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरे भवन में पाए जाते हैं तेरी स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्वायर टीम के लिए, इसमें गाते बजाते उनको आशीष देना, और हम सभी पर तुम्हारी आशीष बहुत आए प्रभु। हम सभी को ज्ञान बुद्धि स्त्रीप कर, अपनी पवित्र आत्मा हम लोग पर उड़े प्रभु। आज पवित्र आत्मा हम तुझे दावत देती कि आ, इस सभा को अगुवाई कर, हमारे हृदय को छू, हमारे हृदय को अगुवाई कर, ताकि जो वचन आए हमें काटे और अपने जीवन को हम तेरे वचन के अनुसार चला सके। पिता हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और सभी ने कहा आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह की जय, आमेन हालेलुया। हम खुश है कि हम एक बार फिर आज परमेश्वर ने हम लोग को एक नया जीवन दिया, एक जीवन दिया है, ताकि हम उसके स्तुति आराधना करने के लिए इस भवन में पाए जाते। हम स्वागत कर सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आप सभी को बहुत सुंदर तरह से आप लोग सब आए हैं खुशी से, प्रेम से, और वे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे, वे लोग भी, उनको भी हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा, कि सब आशीषित हो। आमेन। जिसे हम लोग आए हैं अपने हृदय को लेकर, अपने भेंट को लेकर, वचन कहता है, बोले जहाँ तेरा मन है वहीं तेरा तन है। आमेन। हम लोग जन जी दिल में सोचता है, भले हम लोग यहाँ प्रेजेंट है, बट हम लोग के दिल अगर कुछ और सोचे तो हम लोग का मन भी उधरे, ये कोई फायदा नहीं है। तो हम आए परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो अपना तन मन और धन उसे दे, है ना, अपने यीशु को हम लोग सब कुछ दे, क्योंकि उसी के द्वारा हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। आमेन। ये जीती जो आत्मा है हम लोग के अंदर में, है ना, जीती आत्मा का दान उसे दो, हमें नहीं, पादरी के नहीं, बट परमेश्वर को दो। आमेन। तो मैं ये आज उत्साहित करना चाहता हूँ आप लोग सबको, कि हम अपने मन को यहाँ हुआ नहीं सिर्फ परमेश्वर की ओर ले जाए, उसकी ओर अपनी निगाह को ले जाए, जैसे क्वाय हम लोग का अगुवाई करता है, तो हम परमेश्वर की महिमा उसकी बढ़ाई करें। हालेलुया। थैंक यू। मसीह की जय। हालेलुया। मसीह की जय। आमेन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम मिलकर उस खुशियां मनाएं, उसके धन्यवाद करें।
मसीह तू हमारे है सर, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा।
अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाई तेरी जीत की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू मैं गवाई तेरी जीत की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय का, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय का, ओ जय जय का। तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, ओ वी वर्शिप एंड प्रेज यू। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हो जय जयकार। पूरे मन से गाएं एक बार और, जय जय का, सच सचमुच में गाएं इसको, वो हमारे लिए क्या कुछ ना किया, मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जय का, जय जय का, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद, धन्यवाद, महान परमेश्वर, स्तुति आराधना की योग्य हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जल से आने वाला परमेश्वर, हालेलुया। Worship Lord, yes Jesus, yes Lord, be glorified. जीवित पर
परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी say
परमेश्वर मृत्यु को हराने वाला है, शैतान को हराने वाला, ओ सामर्थी परमेश्वर, स्तुति आराधना तेरी, हर वक्त हर हर समय हर पल तेरी ही महिमा होती है, सूर्य तेरे हमारे हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम अपने आवाज को उठाएं उस परमेश्वर के लिए जिसने आज हमें यहाँ पर खड़ा किया है, उस महान परम प्रधान स्वर्ग शक्तिमान के लिए हम अपने आवाज को उठाएं, धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, 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 ब्लेस यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, सृजनहार, पालनहार है तू, ग्लोरी बी टू गॉड, हमारे प्राणों का रखवाला है तू, महान अति महान, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के इस सुंदर से दिन के लिए धन्यवाद, महान आश्चर्य कामों को करने के लिए धन्यवाद, बीमार लोगों को चंगाई देने के लिए धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आज जो कुछ भी है यहाँ पर, जो कोई भी आज जो बीमार थे, आज यहाँ चंगाई पाकर महिमा आदर और तुरे सम्मान देने के लिए आए हुए हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तू इसकी योग्य है, परम प्रधान तू जो स्वर्ग शक्तिमान है, स्वर्ग पृथ्वी में एक ही नाम है, वो नाम जो यीशु का नाम है, महान है वो, महान अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने वाला, अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को साफ करने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जो कलवरी के क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपने प्राण देने वाला एक ही परमेश्वर है तू, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। स्वर्ग शक्तिमान अब्बा, आज हम कृतज्ञ हैं कि हम तेरे सामने, तेरे सन्मुख आज उपस्थित हुए हैं, जो कुछ तूने हम सबके जीवन में किया है सप्ताह भर, हम उसके लिए कृतज्ञ और धन्यवाद देते हैं। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम, जो है महान, धरती पर मानो का है रखवाल, विश्वासियों पर विशेष कृपाल, तूने हमारा सुधी लिया, उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो लोग विश्वास में कमजोर है, तूने उन कमजोरियों को दूर किया है और उन्हें तृप्त किया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब कोई यहाँ पर मिलकर धन्यवाद ही देने आए हैं, क्योंकि पिता तू हम सबको चलाता फिराता है, हर एक कमी घटी से तू भरपूरी को करता है, और ऐसी भरपूरी जो बहुताए से भी ज्यादा है, धन्यवाद पिता। आज का दिन एक सुंदर दिन, शुभ दिन, आनंद का दिन और जय का दिन है, हम कहेंगे आज आनंद और जय का दिन है, क्योंकि ऐसा ही दिन तूने आज हमें दिया है, और हम सब जीवित प्राणी तुम्हारी महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद बा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का जो सभा है हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, इस गिरजाघर का जो कार्रवाई है, जो भी इवेंट्स है जो आगे चलकर होगा, हम उन सभी सभाओं को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, और आज जैसे डॉटा चर्चेस में भी प्रचार होता है, तुम्हारी स्तुति आराधना वहाँ पर भी हो रहा है, हम प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा हर एक को तू अभिषेक कर दे, कि तुम्हारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा अपने दिल, अपने पूरे शरीर के द्वारा कर सके, तन मन धन से कर सके मेरे परमेश्वर। आज जो लोग बीमार, सर्दी जुकाम बुखार है, या किसी किस्म के समस्याओं में हैं, पीड़ा में हैं, सबको हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, और हमारा ये विश्वास है कि तू अपना सुंदर पवित्र हाथ बढ़ाकर छुएगा और उन्हें चंगा करेगा, कि वे चले फिरे और तुम्हारे ही नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हुए। धन्यवाद पिता आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के सेवक के लिए हम आज विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा से तू उसे अभिषेक कर दे, जो कुछ भी वचन आज हमारे बीच में आएगा वो हमें
तोड़े मरोड़े सिखाए और हमारा जो मार्ग है वो सही कर दे। धन्यवाद पिता, आज हम अपने क्वायर टीम को भी तुम्हारे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए जिसे तूने संभाला है, सुरक्षित रखा है और हर एक चीज़ से उन्हें भी भरपूरी को करता है। आज का दिन हम सब के लिए एक ऐसे आनंद और जय का दिन रहे। मुक्तिदाता यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन। प्रभु की जय। हम खड़े ही रहे जबकि हमारे मुख्य पादरी कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए आता है। धन्यवाद, आप सब बैठ जाएं। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर, और जो लोग ऑनलाइन आज के समय में भाग लेते हैं आपको भी निमंत्रण है और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। बहुत ही सुंदर दिन है जबकि हम लोग ऐसे स्थान पर एकत्रित होते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और खुश हूँ कि मेरा पोता एडियल आज ड्रम्स में बजाया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसको बताया कि तुम बड़े आशीष होते हो कि कोई तुम्हें कोई है सिखाने वाला। उसके पिता है शैलेश। लेकिन जब मैं शैलेश के विषय में सोचता हूँ तो उसको कोई नहीं सिखाया। परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर। और मेरे ख्याल से करीब 9-10 वर्ष का था तब उसने कैलवरी टेम्पल में बड़ा ड्रम्स में उसने ड्रम बजाया था और सब परमेश्वर के आशीष के द्वारा। और आज मैं खुश हूँ, क्यों नहीं हम लोग ताली बजा कर एडियल को हालेलुया। और साथ साथ मैं खुश हूँ कि आज हमारे बीच में एक खास प्रचारक हैं, ब्रदर इमैनुअल। आओ आगे, ब्रदर इमैनुअल जॉन, स्वागत करें उसको। कम माय बॉय इमैनुअल हमारे कलीसिया में बड़ा हुआ, मेरे ख्याल से हाई स्कूल से ना, ऐसे कुछ तरह हाई स्कूल से उसने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और हमारे कलीसिया में मेम्बरान हुआ। और यहीं पर वो अपना उन्नति प्राप्त किया, आत्मिक उन्नति, संडे स्कूल में नौजवानों के बीच में। और न्यू टाउन का एरिया मिनिस्टर है, न्यू टाउन लाइफ ग्रुप का एरिया मिनिस्टर। और मैं खुश हूँ जो मैं देखता हूँ कि जवान लोग बड़े होकर और परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं। और आज उसको मैं मौका दिया है कि वो प्रचार करें। थोड़ा नहीं सब काफे ऐसे क्यों नहीं हम लोग इसको एक फिर बार स्वागत करें। कोई इसके बाद हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर उसको आशीष दे, उन्नति दे और आगे बढ़ते जाए। और जानते हो कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को परमेश्वर के सामने रख कर कहता है मैं तैयार हूँ तुम्हारे काम करने के लिए, वो तुम्हें देख काम में लाएगा, कभी पीछे नहीं हटो। और ये चीज़ मैंने देखा हूँ इमैनुअल के जीवन में, वो अपने आप को हमेशा कोशिश करता है परमेश्वर के हाथों में देने के लिए और परमेश्वर उसको काम में लाता है। आपके जीवन में भी बरकत और आशीष आएगा जब आप दोगे उसको अपने जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सन। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दे अपने सीनियर पादरी को, आज उसने मुझे मौका को दिया कि मैं व्हाटएवर गॉड इज लेड इन माय हार्ट आई कैन शेयर। आमेन। आई ट्राई टू बी एज मच एज इन हिंदी, थोड़ा इंग्लिश मार देगा व्या करना। आज का वचन, अगर आपके पास बाइबल है आप खोले रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6-7 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है जीव मानसिक सोचना मृत्यु है परंतु आत्मा से सोचना जीवन शांति है, क्योंकि मानसिक सोचना परमेश्वर के विरुद्ध है, यह परमेश्वर के नियम के अधीन नहीं करता और ना ही यह कभी हो सकता है। आमेन। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए।
धन्यवाद है कि आप एक अच्छे पिता है, और धन्यवाद है पिता आपके वचन के लिए। आपका वचन कहता है पिता कि हर एक अच्छा दान और वरदान पिता जी ज्योतियों के पिता से आता है, और आज हम धन्यवाद देते हैं आपके लिखित वचन के लिए पिता, हमें मदद को करके हम इसे और समझ सके और आपके और नज़दीक आ सके आज। और जैसे पिता आपका वचन बोला जाएगा आज, हर एक हृदय जो सुने पिता 100 गुना फल लिखा है आज, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। मैं थोड़ा तोड़ के बताऊंगा आपका जो रियलिटी है आज, आप जो भी है, आप जो आज पहने हुए हैं और जैसे भी आप है आज, जहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, वो आपका जो 5 senses है, 5 senses जो आप सब जानते होंगे, साइट, हियरिंग, टच, राइट, इसके द्वारा आता है ये। अगर आप कुछ खाते हैं उसमें ज़्यादा नमक है तो आपने नहीं देखा किचन में जाकर किसी ने एक एक्स्ट्रा चम्मच नमक डाला उसमें, आप कहाँ कर जिसे खाते हैं तब जान पाते हैं कि आपके जीभ ने बताया इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक है। आमीन। तो आप जो कुछ भी आज है, जैसे भी है, वो आपके 5 senses की वजह से है, बिकॉज आप एक हम एक शारीरिक जीवन बिताते हैं इस दुनिया में, तो परमेश्वर ने हमें ये शारीरिक ये शरीर के साथ इस 5 senses को दिया है, जो हमें हर वक्त इस दुनिया में आउट से गाइड करता है, संभालता है, सिखाता है और आगे को बढ़ाता है। और यही तो दिक्कत है हमारा। दिक्कत क्यों है? क्योंकि हम इस पे ज्यादा वक्त निर्भर हो जाते हैं। आमीन। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों मैं ये कह रहा हूं, बट इट्स नॉट बैड कि आप इस पर निर्भर नहीं रहो। आप बगैर सेंसेस के यहाँ पे अच्छी जीवन नहीं जी सकते, राइट? अगर आपकी आँख निकल जाए तो आप देख नहीं पाओगे। आमीन। तो आपके जरूरत है ये जीवन जीने के लिए ये जो 5 senses है, पर यही सेंसेस जो आपके पिता ने और जो शरीर में आपके साथ आया है आपके लिए दिक्कत बन जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं पढ़ूंगा John 3:5-6 जो कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। आमीन। सो अगर आप इस वेस के थोड़ा से तोड़ेंगे, हम लोग आत्मिक कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी बिकम प्रॉब्ली स्पिरिट, आई वुड से, राइट? अगर आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को आत्मिक पर चेंज होना पड़ता है, राइट? परिवर्तन से गुजरना पड़ता है कि एक नया जन्म वो ले सके पवित्र आत्मा से। आमीन। मगर हम मसीह विश्वासियों हम ये भी कर लेते हैं। आमीन। काफी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसने भी ले लिया है। वो जानते हैं, कितना दफा हमें सिखाया भी गया है कि पवित्र आत्मा कौन है, वो क्या कर सकता है, वो क्या बदलाव ला सकता है, पर तभी भी हम मनुष्य अपने जो 5 senses है इस पे निर्भर रहते हैं। यस नो? निर्भर रहना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, बट कुछ चीज जो परमेश्वर के हाथ में है, जो कभी कभी हमें लगता है नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी कुछ लगता है कि ये अनहोनी है, नहीं हो पाएगा मुझसे, जैसे मैं आज खड़ा हूं, इट्स ए मिरेकल फॉर मी। आमीन। सो कभी कभी ऐसे लगता है कि आपसे नहीं होगा, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि मैं हूं। आमीन। जो आपसे नहीं हो सकता है वो मैं आपके साथ होकर करके दिखाऊंगा। आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर इस जहां को छोड़ा, उसने हमें पवित्र आत्मा को दिया, हमें एक सहायता को करने के लिए दिया, जिसमें कि हम उसका जो कार्य है इस जहां पर, उसका जो वचन है
वो जानता था कि हम ये 5 सेंसस से नहीं कर पाएंगे, कुछ ये हमें बहुत सोचने को निर्भर कर देता है। हम लोग कुछ करते हैं तो 2 बार सोच लेते हैं कि ऐसे पता नहीं हुई कि नहीं हुई, या पता नहीं वो जो बैठा वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपका ये जो सेंसेस है इसे शैतान भी यूज करता है आपके अगेंस्ट, वो आपको वीक बना देता है, कमजोर कर देता है, बताने के लिए कि आप वो काम नहीं कर सकते। कैसा लगता है? तो हमारे पास, मैं कहूंगा, एक विश्वास का जो सिक्स्थ सेंस है, फेथ बीइंग द सिक्स्थ सेंस, जो हमारा और परमेश्वर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, हमारा विश्वास है। आमीन। रोमन्स 8:8 कहता है, और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बाद में ये बोले, रोमन्स 8:8, और जो सुनाई नहीं दिया, और जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। आमीन। Those who are in flesh cannot please God. मैं बताऊंगा क्यों। इंग्लिश बाइबल में इसे थोड़ा बेहतरीन वैसे कहता है, उसमें एक वर्ड यूज किया है कानल, जो कहता है मतलब जो अपने सेंसेस से चलता है, ये सेंसेस से चलाए जाते हैं और आप उस सेंसेस के द्वारा परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। कितने लोग मेरे बात, मेरे साथ है, ओके तो हम जीते कैसे हैं? हम कैसे जीते हैं इस दुनिया में? हम, अगर आप, मैं पूछूं कि आप आज चर्च कैसे आए, कुछ लोग गाड़ी से आए, कुछ लोग टैक्सी से आए, कुछ बस से आए, कुछ पैदल आए, बट आने में आप लोगों ने इन जो सेंसेस है इसका इस्तेमाल किया। कुछ गाड़ी ने रेड लाइट पर रुका होगा, कुछ ने एक निर्णय को बनाया होगा कि वो किस बस पर चढ़े, या टैक्सी ड्राइवर को बताए किस रास्ते पर जाए, कहाँ छोड़ना है। तो आप लोगों ने सब जगह ये यूटिलाइज किया। आमीन। दैट्स हाउ वी लिव ना, डे टू डे हम जो चीज भी करते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, सब जगह हम ये 5 सेंसेस यूटिलाइज करते हैं, सिवाय ये सिक्स्थ ला जो हमें परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं बगल में है, हम जानते हैं कि क्यों हमारे सहायता के लिए दिया गया है, पर आपको पता है हम कब इसके पास जाते हैं? जब आपका जो 5 सेंसेस है वो काम करना बंद कर देता है, जब आप जानते हैं कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, आप जो आपका आसरा है आप परमेश्वर पर रखते हैं, तब आप याद करते हैं, हे पिता मुझे इस मुसीबत से निकाल, मुझे इस बीमारी से निकाल। आमीन। हम जो सिक्स लाया के पहले नहीं रखते कि आज हम चर्च आए विश्वास के साथ आए कि हमारे जो भी कमियां है, जो भी बीमारी है, जो कुछ भी हमें आज जरूरत है वह परमेश्वर पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो, पर हमारा विश्वास है कि हम आज चर्च जाएंगे, उसका वचन को सुनेंगे और हर एक बात जो आज बोला जाएगा वो अपने जीवन में काम में लिखाएंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं। आमीन। बिकॉज हमारा जो 5 सेंसेस है ओवररूल कर देता है, वो सोचता है कि हम ज्यादा जानते हैं, वो सोचता है कि हमने ज्यादा दुनिया देखा है। आमीन। पर जो दुनिया आपने देखा है उसे परमेश्वर बनाया है। आमीन। जो दुनिया आप देखना जा रहे हो आज, उसने 2000 पहले बनाकर चला गया, right? It's gone. So, we'll read from Hebrews chapter 11, verse 1. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है. Faith is the substance of things not seen. तो अब बात यहाँ है कि faith आता कहाँ से है? Amen. और Hebrews 11:6 कहता है, और विश्वास के बिना उसे पसंद करना अनहोनी है। पर
परमेश्वर कहता है, सॉरी बाइबल कहता है कि इफ आई हैव टू डिफाइन गॉड, अगर हम बताइए परमेश्वर कौन है, तो बाइबल कहता है परमेश्वर ज्योति है. आमीन. और ये जो सारा दुनिया है उसने अपने प्रकाश के द्वारा बनाया. अगर फॉर एग्जांपल हम ले ले, अगर वो ज्योति है तो ये जो ज्योति हमारे अंदर है जिसने हमने बनाया है, ये जो बल्ब है या जो ट्यूबलाइट है, राइट, इसका जो इन्वेंशन हम्फ्री डेवी ने किया था 1800s में किया था. और आप जानते हैं इसके स्पीड क्या है? इसके स्पीड इतना है कि एक सेकंड में ये पूरा दुनिया का 7.5 चक्कर लगा सकता है, उतना स्पीड है लाइट का. तो आप लाइट को देख नहीं सकते. आमीन. कि देख सकते? नहीं देख सकते ना, उतना स्पीड है उसका. तो साइंस बताता है ना जिसने बनाया. तो अगर हमें परमेश्वर को देखना है या उसके दूतों को देखना है, उन लोग को अपना स्पीड बहुत कम करना पड़ेगा, जिम्मे कि हम उसे देख सकते हैं. हम खाली उसका प्रकाश देख सकते हैं, रोशनी जो आता है, एंड प्रोडक्ट जो बत्ती भर जाता है, जो रोशनी होता है, वो हम देख सकते हैं. आमीन. वो कैसे आके बढ़ता है वो हम नहीं देख सकते, वो उतना स्पीड पे आता है ना, उतना जोर आता है. तो जो स्वर्ग दूत है या परमेश्वर ट्रेवल सो फास्ट, उतने जोर चलता है कि अगर हमें उसे देखना पड़ता है पड़ेगा तो उनको अपना स्पीड कम करना पड़ेगा. वो जो तो होगा ही नहीं, राइट. तो हम कोट करेगा रोमन्स चैप्टर 8:6-7. मानसिक सोचना परमेश्वर के विरुद्ध है. ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ आएगा कि क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा फेथ का. जो हमारा विश्वास है परमेश्वर के ओर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों ने यहाँ पे देखा है कि परमेश्वर को सच में क्रूसीफाई किया गया और वो तीन दिन, द थर्ड डे ही रोज अगेन, किसी ने देखा है यहाँ पे? नहीं देखा ना. बट फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं. हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए आया और क्रूस पर गया और तीसरे रोज जी उठा. आमीन. हमने देखा नहीं है, बट वो विश्वास जो हमारा है वो कहाँ से आता है? पादरी से आता है, वचन पढ़ने से. आमीन. इट कम्स फ्रॉम द रिटन वर्ड. जो लिखित वचन है परमेश्वर का वो सब कुछ यहाँ पे है, पर हम क्या करते हैं, हम भटकते हैं जगह जगह क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें. हम कौन, अपना जो सेंस है किसके बात सुने कि हमें कहाँ जाना है. अगर हम अपने जो सिक्स सेंस है, जो फेथ विश्वास का सेंस है, उसको आगे करके सोचे या उसको अगर आप अलाउ करें कि आपके जीवन में काम करे, तो चीज बदल सकता है. आमीन. कभी आपको लगा है कि अगर आप 10 साल से चेंज आते हैं, आपके एक और एक फ्रेंड 10 साल से चेंज आता है, उसके लाइफ में परिवर्तन होते ही जाता है, आपके लाइफ में नहीं होता? आप लोग तो दोनों 10 साल से चेंज आ रहे हैं, तो क्यों परमेश्वर का आशीष खाली उस पर है, क्यों आप पर नहीं है? क्यों ऐसा होता है? कुछ डिफरेंस होगा ना, वो तो हम छोड़ते हैं आप पर. विश्वास क्या है? विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है और आत्मा से आता है. आमीन. आमीन. सो कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि जैसे मैंने कहा यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ, हम सब करते हैं. आमीन. राइट. आई रीड फ्रॉम जॉन चैप्टर 20. एक स्टोरी है थोमा के बारे में, थॉमस, जिसने जब परमेश्वर ऑन द थर्ड डे ही रोज अगेन, तो उसने गया अपने चेलों को मिलने के लिए. तो उसमें वो 12 में से एक डिसाइपल था, उसका नाम थोमा था. तो उसने कहा, मैं लिखूंगा, लेकिन थॉमस
जो बारह में से एक था, जिसने जिसे दिदमुस कहते हैं, जब यीशु आया तो वो उनके साथ नहीं था। दूसरे चेलों ने उसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। पर उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कील के निशान नहीं देखता और अपनी उंगली उसके हाथों के निशान में नहीं डालता और अपने हाथ उसके पहलू में नहीं डालता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम लोग भी वही रकम है, आमीन। अगर आप अपने पांच सेंसेस पे चलेंगे तो जो थॉमस कहता है वही कहोगे आप, कि जबले मैं देखूंगा नहीं। कभी सुना है आप लोग ऐसे बोलते कोई अपने फ्रेंड को या पड़ोसी को या काम में, जबले मैं देखूंगा नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा, अनलेस आई सी इट आई वोंट बिलीव इट, आमीन। वो आपका जो शारीरिक सेंसेस से ये सब बात आता है, आमीन। ये पिक्चर है अनबिलीफ का, और मैं बताता हूँ, अगर मैं डिफाइन करूँगा अनबिलीफ आपके आगे, तो अनबिलीफ आप समझे, अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप अपनी सेंसेस के दिखाए चलते हैं पहले। मैं फिर से पढ़ूंगा, अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ अगर आप अपने आप को ये ट्राई करेंगे बताने को, तो अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वही है अगर आप अपने सेंसेस, जो पांच सेंसेस है, उसके बताए रास्ते पे चलेंगे पहले, आमीन। तो आपको ऐसे लगेगा कि परमेश्वर कभी जी नहीं उठा। जैसे थोमा ने कहा, अब तो देखा नहीं है, तुम कैसे विश्वास करी। आप लोग भी सकते हो ये बात बोले बैठ के यहाँ पे, हम लोग कभी नहीं देखा उसके कि क्रूस में से उतर के थर्ड डे ही रोज अगेन, आमीन। बट हम लोग विश्वास करते हैं बिकॉज हमारे पास लिखित वचन है, आमीन। उस समय थोमा के पास ये वचन नहीं था, कि था नहीं था, बट हमारे पास आज लिखित वचन है। और हमें अगर आप ये ला जो वर्स है, इफ यू रीड फ्रॉम बुक ऑफ मैथ्यू मार्क लुक, तीनों जगह तीन डिफरेंट वे में लिखाने, राइट। और तीनों जगह पर एक ही बात है कि थोमा ने इनकार किया, साफ इनकार कर दिया। मैं लेटर बताऊंगा कि उसके एक और वैसे जहां पे परमेश्वर आता है। सो जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा, पर परमेश्वर क्या कहता है। कभी आपने ट्राई किया है कि परमेश्वर मेरे लाइफ में ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे आपके लिए। यू ट्राई टू मेक अ डील विद गॉड, परमेश्वर हमने आपका चंगाई देखा नहीं है, चंगाई कर दो हम मान लेगा। बट मैं बताता हूं परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है आप मान जाओ और मैं चंगाई दे दूंगा या मैं कर दूंगा। पहले आप मान जाओ, पहले आप विश्वास करो कि वो सकता है, आमीन। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो कैसे करेगा। अगर वैसा होता तो हम अभी कहते कि यहाँ पे किसी का दिख रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड रखाने का कोई नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। सो जो दिखता है उसमें विश्वास है ही नहीं है, तो उसको दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। तो विश्वास क्या है, जो चीज आपको नहीं दिख रहा है। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बताऊं, आमीन। सो परमेश्वर वही चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, पूरे दिल से विश्वास करें कि जो कुछ भी आप में आज है, जो कुछ भी आप लिखा है आज, पूरे दिल से विश्वास करें कि परमेश्वर उसे हटाएगा। वो जो छोटा वाला पहाड़ है उसको हटाएगा। मैं नहीं जानता वो क्या है, बट हर एक दिलों का परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि हर एक लोग जो यहाँ पे है किस पहाड़ से गुजर रहे हैं, किस दौड़ से गुजर रहे हैं। बट वो यही चाहता है कि आप अपना जो फाइव सेंसेस के अलग करके, उसका जो सिक्स सेंस है उसके यूटिलाइज करें और बोले कि परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि ये हो सकता है, आमीन। यू नो फेथ ट्रांसेंड्स टाइम, माने अगर आप देखेंगे हमारा फेथ जो है ये हमें पीछे लेके जाता है। पीछे क्यों लेके जाता है, बिकॉज हम घूम फिर के वहीं पे जाके उस क्रूस पे गिरते हैं, इस क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए
क्रूसीफाई हुआ था, आई मीन, तो हमें जो अपना विश्वास है वो पीछे लेके जाना है कि कोई, कि परमेश्वर ने आया मेरे लिए, नो, ही केम फॉर मी एंड यू एंड डिड एवरीथिंग. हमें खाली इस पर विश्वास करना है और द रेस्ट इज डन. कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. आपको याद है कि अगर आप लोग स्टूडियो जनता के बगल में एक चोर था, चोर जो चोर ने पता नहीं कितने घरों को चोरी किया होगा, कितने घर बर्बाद किया होगा, कितने चीज, वो तो सब लोग झुट्टे के आए वहां पे बीच में, राइट, रास्ता में लिखा गया उसके. तो उसने क्या किया आप जानते हैं कि उसमें से एक जो था उसने किया, आप अगर आप परमेश्वर हो तो मुझे भी याद करना. तो परमेश्वर ने क्या किया कि आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे. आमीन. कुछ किया नहीं उसने, नो फास्टिंग, नो प्रेयर, नथिंग. उसने खाली विश्वास किया कि जो बगल में आदमी है क्रूस पे वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है. आमीन. उसे पहले जब उसे क्रूसीफाई किया गया तब तो नीचे से सोल्जर्स कहे, जो सिपाही थे वो कहते, अगर आप परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को क्रूस से उतार दो. परमेश्वर ने किया, नहीं किया वो काम. वो कर सकता था. आमीन. टू प्रूव समबॉडी ही कुड हैव डन इट, राइट. तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक जादू, अगर आप कोई बीमारी से आते हैं या कोई आपकी बीमारी से गुजर रहे हैं या कुछ चाहते हैं इंस्टेंटली, यू मेक अ डील विद गॉड कि हमारे लिए ये कर दो और मैं ये कर दूंगा. वो कोई जादू नहीं करता, ही डजंट डू एनी मैजिक, राइट. फेथ, बाइबल कहता है फेथ कम्स विथ पेशेंस, राइट. आपको जो फेथ है उसमें जो विश्वास है, राइट, कम्स विथ पेशेंस, राइट. तो ऐसे इंस्टेंटली आपको जवाब नहीं मिलेगा, कि मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, पर कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो चंगाई नहीं मिलता है तो जाते हैं घर, सोचते हैं परमेश्वर तो चंगाई दिया नहीं हमें, विश्वास सेम टाइम गिर गए, खा लिया फिर से कुछ दवाई, या तो कोई आपके बताए दिस, या आप कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसका डॉक्टर लोग ने ट्राई किया कोई अलग इलाज करने के बट नहीं हो रहा है, तो बता दिया कि सर्टन दिन बाद आपका जो समय है बस इतना बचा है, और आपको जो विश्वास है उन्हीं डॉक्टर पे टिका रहता है. मैं नहीं कहता कि डॉक्टर रॉन्ग है, उन्होंने लोग में उन्होंने भी कुछ ब्लड टेस्ट को किया होगा, कुछ देखा होगा आपके दही में कुछ कमजोरी है, और नेचुरली जो अपने फाइव सेंसेस है उसे यूटिलाइज करके बताया होगा कि ये नहीं हो सकता है. पर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर का रिपोर्ट है आपका, और उसमें एक और एक रिपोर्ट है जो है परमेश्वर का रिपोर्ट. परमेश्वर का वचन कहता है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो जाए. आमीन. तो वो परमेश्वर का रिपोर्ट है, और वो परमेश्वर का रिपोर्ट खाली एक सेंस से आता है, जो सिक्स सेंस है, विश्वास से. और यहाँ से जो जो रिपोर्ट कंपाइल करके गया है बड़ा फाइल में जो आपके डॉक्टर ने दिया है, वो फाइव सेंसेस यूटिलाइज करके इतना पढ़ाई करके, तो उसने आपको रिसर्च करके टेस्ट करके बोला, रिपोर्ट कंपाइल करके दिया है कि ये रिपोर्ट आपका है, आपका ये बीमारी है, और आप इतने दिन जी सकते हैं, बस उतने हमारे हाथ में, उससे आगे हम नहीं दे सकते, बस. पर परमेश्वर कहता है विश्वास. आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए थे आपके लिए. तो क्यों हम पीछे हट रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, और क्यों हम अलाउ कर रहे हैं अपने जो फिफ्थ सेंस है, कि जो पांच सेंसेस है, कि उस पर निर्भर रहे कि डॉक्टर ने बता दिया है कि बस वही एंड है, उससे आगे कुछ और नहीं है. बट हमारा जो ये लेवल है, ये जो आयम है, इससे ऊपर भी एक और कोई बैठता है जिस
जिसके हाथ में सारे शिस्ती का कंट्रोल है, तो और वो सब कुछ विश्वास से चलता है। आमीन। हमारा काम क्या है? खाली विश्वास करना कि परमेश्वर तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, दैट्स इट। और आपको कुछ और नहीं कहना है और कुछ करना नहीं है, आपको खाली विश्वास करना है। आमीन। और बचा चीज परमेश्वर अपने खुदे खुद करेगा। तो आज आप जैसे भी हैं, मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। अपने दिल के जो भी बात है, जो भी बात आप करना चाहते हैं पिता से, उसे कहें और विश्वास से कहें कि पिता मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं, अपने जो जीवन यहां पे उस पर नहीं, अपने जो पादरी है उस पर नहीं, मैं आप पर निर्भर हूं, आप पर निर्भर हूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपके द्वारा हूं और आपके लिए हूं। आमीन। मैं आखिरी वर्स को पढ़ूंगा, ये सेम स्टोरी है थॉमस का। जॉन चैप्टर 2 वर्स 29 कहता है, यीशु ने उससे कहा, थॉमस क्योंकि तुमने मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया, धन्य है वे लोग जो देखे बिना विश्वास करते हैं। आमीन। सो टू कंक्लूड, आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर वक्त आपके पास एक चॉइस रहता है, चॉइस टू विश्वास किस पर करें, अपने ऊपर करें, जो आप में काबिलियत है उस पर करें कि परमेश्वर पे करें। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को कभी आखिरी में नहीं रखना। ऐसा नहीं कभी हो कि जब आप पूरी तरह से अपने जो काबिलता है इसमें फेल हो जाए, सब कुछ आप करें इसमें फेल हो जाए, तब फिर आप लौट के आए परमेश्वर के पास, हे परमेश्वर मुझे मदद को कर, मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। अपने आप को आज बताएं कि मैं सबसे पहले जो सिक्स सेंस है, विश्वास का सेंस है, उस पर पहले निर्भर करूँगा, बाद में जो कुछ इस दुनिया ने हमें दिया है, जो शरीर ने हमें दिया है, उस पर चलूँगा। Amen. God is good. Thank you. प्रभु की जय। Amen. हम विश्वास कहता था कि और देरी प्रीच करेगा, प्रेज लो कि नहीं खड़े जाए। एक सुंदर और बेसिक मैसेज है हमारे लिए, हमारे और आपके लिए। हम इतना व्यस्त हो जाते चीज़ों में, जो चीज़ बिकॉज हम मोस्ट ऑफ यू, आप लोग एक ऐसे रिलीजन से आए हैं जहाँ आपके सामने कुछ मांगो रहो, जिसको आप देखते, जिसको आप पूछते थे, और कभी कभी माफ़ करना, वो चीज़ हम जब विश्वासियों, मसीह विश्वासियों जाते, हम वो चीज़ लेकर आते अपने मसीह जीवन में। डिफरेंस है कि मसीह जीवन में, जैसे भाई मैनुअल ने कहा कि हमारे विश्वास पर चलता है, डे वन से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वहाँ से वो शुरू होता है कि हमें विश्वास करना है यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र, वो ही परमेश्वर है, उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, क्रूस पर चढ़ा, अपने जान को कुर्बान की, कोई मारा नहीं उसको, लेकिन खुद वो अपने प्राण को दे दिया, तीसरे दिन बाद जी उठा, प्रेज द लॉर्ड, उसके मार खाने से चंगे होते, उसके लहू से हमारे सब पाप क्षमा होते, ये सब विश्वास से हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे विश्वास परमेश्वर में मजबूत रहता है, बिकॉज शैतान है, वही विश्वास के ट्राई करता है हिलाए के, तब जब संकट आता है, समस्या आता है, तो हमारे विश्वास कितना मजबूत है वो दिखलाता है आपके जीवन में,
आप कैसे वो सामना करता है। हमें पूरे भरोसा से परमेश्वर के रास्ता में चलना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारे हरीरी जिसे दाऊद ने कहा था चराइयों में लेकर जाता है, अच्छी चीज़ें सब चीज़ हमारे जीवन में संभाल कर रखता है, ये मैं विश्वास से। तो जब आपत्ति आता है हम घबराते नहीं है, तेरा मन ना व्याकुल हो, मन ना घबराए, ये सब यीशु मसीह का वचन है, लेकिन ये सब विश्वास से होता है। और जब हम अपना विश्वास कट्टर रखते हैं प्रभु पर, तो कैसे भी तूफान आता है हमें हिला नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इसमें घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई मसीह विश्वासी तूफान जब स्ट्रोंग कुछ उनके सामने आता है तो वे फिसल जाते, उनका जो विश्वास है डगमगा जाते, शेक हो जाता है। लेकिन हमारे प्रार्थना है परमेश्वर से, आपका प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु मेरा विश्वास कभी ना टूटे, कभी ना हिले, कभी ना घबराए, तेरे पीछे में हो लूँगा चाहे कुछ भी आ जाए। हम आँख बंद कर लें। ये जो बेसिक मैसेज है, सबसे साधारण सरल जो वचन आया है हमारे लिए, आप ख्याल कर लेना कि शैतान वही विश्वास को हिलाना चाहता है, तोड़ना चाहता है। सब चीज बाय फेथ ऑन जीसस। ये विश्वास कि एक दिन वो आएगा और हमें ले जाएगा अपने पास, जहाँ हमारे लिए एक जगह तैयार करके रखा, उसको ब्लेसेड होप कहते हैं। विश्वास से हम जानते हैं कि एक दिन ये दुनिया का जो संकट है, परेशानी है, दुख, पीड़ा, मृत्यु, बीमारी सब पार कर हम यीशु मसीह के साथ में रहे, जहाँ कोई रोना नहीं, क्या कोई पीड़ा नहीं, बीमारी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे आशा है। किन्हीं हम हाथ उठा के धन्यवाद है कि वो हमें ये आश्वासन दिया है। जहाँ पर उस जब अपन भरोसा हम उस पर रखते हैं, उसने कहा वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ओ वी प्रेज द लॉर्ड, वी थैंक यू, वी थैंक यू फॉर योर फेथफुलनेस। तू विश्वास योग परमेश्वर है, तू झूठा नहीं है, तू मनुष्य नहीं है कि झूठ बोल सकते है। तेरा वादा है, पक्का है, वो कभी आपका वचन बदलेगा नहीं। धन्यवाद पिता, तू महान परमेश्वर है। ओ वी वर्शिप एंड प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस। वी वर्शिप यू। शायद आप यहाँ पर है, मे बी आपका कुछ कारण से आपका विश्वास शायद हिल रहा है, शायद आप छुआ नहीं है, कुछ डाउट है आपके जीवन में। इट्स ओके, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें अपने बाहों में ले लेता है। अगर आप ऐसा है, कुछ है आपके हृदय में, दिल में, आप अपने मुंह से प्रार्थना करें, उससे बात कर, उससे क्षमा मांग ले और कहे कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य दें कि आपका विश्वास और मजबूत हो उस पर। हालेलुया, हालेलुया, वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते आपके प्रेम अनुग्रह के लिए, आपके दया प्रभु। अगर आपके दया कृपा नहीं रहता तो हम यहाँ पर नहीं रहते हैं। हमें माफ़ कर दे पिता कि हम अपने धन दौलत, अपने नौकरी पर और अपने काबिलियत पर हम भरोसा रखें।
मदद कर पिता कि हम अपने नज़र अपने आँख तुझ पर से हटाए नहीं. वर्शिप यू लॉर्ड. थैंक यू. धन्यवाद कि तू एक दयालु परमेश्वर है. किसी जन अगर आप पहली बार आए हैं या आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन उसको हवाले नहीं किया, विश्वास उस पर अपना विश्वास नहीं रखा है, आज आपका मौका है. अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. अगर आप हैं यहाँ पर और चाहते अपने जीवन यीशु मसीह को दें कि वो आपके जीवन को संभाले, कि आपके जीवन का राजा वो बने, तो अगर आप है तो हाथ उठा लें, आपके लिए प्रार्थना करेंगे. सिर्फ हाथ उठा लें, उससे आगे और कुछ नहीं, हम सिर्फ एक प्रार्थना करेंगे. लेकिन अगर आप है यीशु मसीह को मौका देना चाहते हैं अपने जीवन में तो हाथ उठा लें. या बहुत दिन से आप दूर है परमेश्वर से, आप फिर उसको अपने जीवन सौंपना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, तो हाथ उठा लें, आपके लिए प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. अगर बाद में आकर बात करना चाहते हैं तो ज़रूर आए. हालेलुया. Yes, Lord, we thank you, Jesus. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ में है. तू अपने वचन को दिया है कि उसको पढ़कर हम अपना विश्वास और कट्टर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि तू तेरा वचन सही है, जीवित है, और पूरे हृदय से पूरे मन से हम भरोसा कर सकते हैं आपके वचन पर. हम जानते हैं पिता कि जब हम तुझ पर अपना विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम कभी सोच नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है. और इसमें हम जान पाएंगे कि तेरे हाथ हमारे जीवन में जो कुछ आशीषों मिलता है, जो कोई आश्चर्यकर्म होता है पिता, हम जानते हैं वो तेरी ओर से है. धन्यवाद. धन्यवाद हर एक लोग जो आए हैं, उन पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे कि वे महसूस करेंगे कि तू उनके जीवन में कार्य करता है, तू एक जीवित परमेश्वर है जो उनसे प्रेम रखता है. और ख़ासकर पिता तू उनको मदद करेगा, हम सबको मदद करें कि हम ये विश्वास और लोग को बतलाएं कि तू उनके जीवन में क्या कर सकता है. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद भाई मैनुअल के लिए, आप उसको अभिषेक कर दे और आशीष से भर दे और बुद्धि ज्ञान दे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो तेरे राज्य में और कार्य करते रहे. धन्यवाद पिता हर एक चीज़ के लिए. तू सच्चा परमेश्वर है, महान हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद. आप बैठ सकते हैं. खुशी आपको देखकर. और बहुत समय नहीं लेंगे, थोड़ा और चीज़ करना है. अबाउट 20 मिनट्स है हमारे पास. तो आप जानते हैं लास्ट वीकेंड जो मेंस ग्रुप गए थे मंगेरे और नवातू मिशन्स बे, उससे पहले एक हफ्ता पहले कई लोग गए थे ट्रैक्स बांटने, घर घर विजिटेशन करने और पर्चा बांटने. तो जो वीकेंड फ्राइडे दिन में हम मेंस ग्रुप गए, लगभग 15 जने यहाँ से कलाम्बोचित से वैला से सब हम गए थे. और एक सुहाना समय, एक अच्छा समय था. पादरी रोहित मंगेरे में उसके साथ में और सब ऑर्गेनाइजिंग जो मेंस ग्रुप किए अंकल नवेंद्र के लीडरशिप में. एंड वी थैंक गॉड, परमेश्वर धन्यवाद देती कि सब चीज़ उसके इच्छा द्वारा हुआ. कई लोग उसके वचन को सुने. तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा. कुछ लोग कितने जिन्हें मेंस 1 2 आप लोग यहाँ आ जाए. अब इनफैक्ट सब आ जाए आगे, हाली बहुत नहीं है, 4-5 जने आ जा. बाकी कलाम्बो में है शायद नेक्स्ट सर्विस में. आ जा लाइन से. किन्हीं ताली बजा कर धन्यवाद दें उनको.
आपने समय लेकर गए और भाई रविनेश और भाई संगीत उनका पहला बार था इस ट्रिप, तो मैं उनसे स्टार्ट करूँगा और टाइम देखूँगा तब जो वेटरन उन्होंने हम के बीच में तब उन को दूंगा बाद में। तो भाई संगीत सबके जय मसीह की। ये हमारा फर्स्ट टाइम रहा बा जो हम लोग के मिशन ट्रिप रहा, जैसे हम लोग अंकल से सीखा काफ़ी चीज़ जो साल भर हम लोग मेन मिनिस्ट्री में यात्रा, तो हम लोग कैसे वहाँ जाके कैसे हम लोग कार्य करेंगे वहाँ, जो हम लोग के हम लोग जाए के जो पर दिया रहा हम लोग जो सैटरडे के पर्चा, तो उसमें से काफ़ी जने आई हम लोग देखा जो नहीं विश्वास करते इन गोट के वो लोग आई वहाँ पर, और वो लोग काफ़ी जने जैसे प्रार्थना भय काफ़ी जने ठीक भाई इस काफ़ी जने, और हम लोग धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग जैसे गए रहा उस जगह पर ना, और जैसे हम लोग और मेन लोग जाएंगे तो और जगह पर हम लोग जाकर बता सकेंगे कि और लोग आए और उस जगह पर गोट के बारे में सीख सके। आमीन। मसीह की जय सबके। इला जन में टूआ रहा फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस रहा, और हम धन्यवाद देते हैं जीसस को कि हम लोग के सही सलामत लगे है हर दुर्घटना से बचाई रहा, और धन्यवाद देते हैं पास्टा रोहित के जो हमके जगह दिशा अच्छा रहने के लिए जो भी कार्य हुआ है धन्यवाद देते हैं, और ब्रदर एडवर्ड के जो अपना जहाँ पे कुछ साइड भेरा उसे भी धन्यवाद देते हैं, जितना अनबिलीव वाला वहाँ इसरा और कितना जिनके वहाँ चंगाई मिला है और सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं थैंक करता हूँ लॉर्ड की कि हम लोग के संगे रहा, और थैंक करता जितना चर्च मेंबर लोग प्रिया में करी सरा वीक कितना टू वीक्स या थ्री वीक्स पहले से होता रहा प्रिया, उसमें गोट कौन बहुत जगह पे कौन मिरेकल भी करी सरा, एक जगह हम लोग पास्टर सूर्य एक जगह एक फैमिली के एक जगह वो करी सरा कौन विजिट करी सरा वही टाइम जो टाइम क्रूसेड होता रहा, उसके फादर हम सोचता कौन फिशरमैन रहा और हमें बोले तुम जाए फैमिली से जाए मिल लेना, तो हम जाएंगे मिला पेशेंट से हम जाएंगे को बात करा, तो बोले उसके लड़की के गोड़ में कुछ कोई पिरात रहा और स्कूल पढ़ता रहा फॉर्म सिक्स ऐसे कुछ रहा, तब हम जाएंगे उससे बात करा बोले उसके लड़की जो गोड़ पिरात रहा बोले पिराला राइट हो गए, और लड़की बोले कि अपन भैया के संगे वो खेले सोका खेले बिकॉज वो कैसे हुए आप लोग के सब के जो पिराला जो सपोर्ट रहा, हम थिंक करता लौट के कि हम लोग के संगे रहा, और भाई रविनेश के भी कोई फोन हेरा गया सरा हम लोग के गया क्रूस में जो अपने संजय जंडे को रेडी होता हम लोग सब बोले जावे का दिन वो अपन हम मोटर में फ़ोन ऊपर रख दिस, अब जंडे हम लोग चल दिया हाफ वे जंडे बा पहुँचा ला रहा बोले माँ फ़ोन हेरा गिस, तब हम लोग हमारे संगे पास्टा सेमुल रहा और पास्टा दीपक भी रहा, तो हम लोग इलूंगे छोड़ के तो फिर गया पीछे वहाँ गया तब वह गया कोने खोजा रात हो गया फ़ोन खोजा हम लोग के फ़ोन नहीं मिला फिर लौट के आया, तो पास्टर डेविड पते इस फ़ोन के बारे में बोले भूल जाओ तुम लोग, पहले हम लोग बोले जो चीज़ के आया बोले क्रूसेड के ऊपर ऊपर फोकस करो, तो हम लोग उसके फिर भूल गया संजय फिर हम लोग लौट के गया, तब जो हम लोग फिर खोजता फ़ोन तब ये लोग फिर से कोने कॉल करी तो एक पेशेंट के लगे फ़ोन रहा कोने लोटो काम रहा बोले आए कि पिक कर लो, पिक करे खतिन बोले कि पहले 12 बजे से पहले आना, हम थिंक करता लौट के जो आप लोग के जो प्रिया रहा सपोर्ट रहा हम लोग संगे गोट अपे नो करीस मिरेकल को करीस। थैंक यू। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। फोन जब हेरा कोई लौटार के देवे नहीं आमेन रख लेवे सब कोई, बट थैंक गॉड फोन हम के लगे गिरा रास्ता के किनारे आई लोग खुश थे हम लोग बताया हम लोग देखो सेविस टाइम में बुलाए जब से परमेश्वर दे टाइम पे आफ्टर सेविस जब लोग कॉल करी इसको आंसर करी एंड फोन लोग के मिल गए। हम धन्यवाद देता है परमेश्वर के जिसे हम लोग रोज ऐसे नया नया जगह पे जाता है कुछ ना कुछ सीखता है हम लोग कुछ नया सीखता है कुछ नया देखता है ना, तो हम बहुत कुछ हम लोग सीखा देखा और साथ साथ में हम देखा कि हम लोग के साथ में नए लोग जब जाते ना वे आकर और गवाही को देते, और वहाँ पे एक चीज़ हम देखा कि एक लड़का रहा जो 7-8 ईयर्स के उसके लिए प्रार्थना जब किया गया तो पादरी से बते उससे पादरी पूछ बते बोले पादरी बोले हमें ऐसे लगे कोई हमें छुए है आमेन,
नॉर्मली हम लोग लड़कन के लिए प्रेयर करते हैं, बहुत लड़कन से हम लोग जब बात करते हैं लोग स्पीक आउट नहीं करे, वो लोग नहीं बोले वो सब चीज़। बट ये लड़का अपने आप से बताए अपने पादरी हमें ऐसे लगे कि हमें कोई छुई मिले, तो वो पवित्र आत्मा है ना, पावर ऑफ द लॉर्ड, जो हम लोग प्रे करता है पीपल लोग टच हुए। और फिर उसके संगे एक और एक लेडी रहा, वो भी चंगाई पाई। तो हम लोग जब गया शेयर करे तो ऐसे ऐसे चीज़ हुए वहाँ पे, और ये सिर्फ हम लोग से नहीं हुए, आप लोग के प्रार्थना से। आप लोग जो नहीं जा सके घर पर यहाँ पर रहता है, बट हम लोग के लिए प्रार्थना करता है, बहुत जन प्रार्थना करे, बहुत जन नहीं, बट हम लोग ये विश्वास है कि हम लोग जन पूरा कलीसिया है कि नोया आई जी और जितना डोटा चर्चेज है सब हम लोग मेन्स लोग के लिए प्रार्थना करें, और ये सब चीज़ हुए वहाँ पे। तो जो कुछ हम लोग खर्चा करता है वो व्यर्थ नहीं हुए, परमेश्वर हम लोग को लौटा रखे दे, आमीन। चाहे एक भी आत्मा अगर वचन सुने उससे भी हम लोग खुश है, आमीन। प्रेज़ गॉड, थैंक यू। एक बार और ताली बजा दे, धन्यवाद कर दे मेंस ग्रुप को जो गए थे इस मिशन ट्रिप में। एवरी ईयर मेंस जाते हैं, आप लोग जैसे जानते हैं, और आपके प्रार्थना और सहयोग हम कई कुछ लोग कंट्रीब्यूट किए, डोनेशंस दिए मेंस ट्रिप के लिए, और सब चीज़ इतना अच्छे से हो गया। हम कल ही कुछ मेरे ख्याल से जो एक वीकेंड पहले गए थे, अबाउट 143 होम्स कवर किए गए थे, पर्चा बांटा गया, उनके लिए प्रार्थना किया गया। एंड देन जोन वीकेंड मेंस ग्रुप गए, क्रूसेड रहा, दो क्रूसेड था, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट, क्राउड में लगभग 28 जो मसीह विश्वासी नहीं थे, 28 लोग आए थे, और वे पहले बार परमेश्वर के वचन को सुने, और जब उल्टा कॉल हुए सब आए, मेरे ख्याल से सब आए प्रार्थना के लिए। वो एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे सोचते कि परमेश्वर कुछ नहीं कर पाए, वे आगे नहीं आते प्रार्थना के लिए, लेकिन वे आए और प्रार्थना हुआ। और पादरी रोहित कहता है कि वो उसमें से एट फैमिलीज जेन्युइनली अपना इंटरेस्ट शो कराए परमेश्वर के और जानने के लिए। और मैं उस सुबह उससे बात किया, और वो लास्ट वीक वे फॉलो अप किए, उनके घर गए और प्रार्थना किए, बातचीत किए, और हम प्रार्थना करते रहे उनके लिए कि हाल ही से हाल ही वे अपने जीवन यीशु मसीह को समर्पण सौंप देंगे और विश्वासी मसीह विश्वासी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सैटरडे को दिन में चिल्ड्रंस प्रोग्राम था, अबाउट 36 बच्चे आए थे, 36 चिल्ड्रन वहाँ थे, और एक्टिविटीज़ उनको हुआ, और वे बाइबल में से स्टोरीज सुने यीशु मसीह के बारे में, और उनको कुछ गिफ्ट्स और उसको मिला। ये सब बच्चे जो सब गांव के हैं यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन इसके द्वारा 36 बच्चे आए थे, दैट्स लॉट, कई ढेर लड़कन हैं आप सोचो। और सिर्फ बच्चे नहीं, उनके माता पिता पीछे बैठा है, और वे इनकरेज करते हैं जब एक्टिविटीज़ होता है, पीछे से मदर्स लोन उठो उठो करो, उनको इनकरेज करता है। तो बच्चे के साथ साथ जो माता पिता वे भी वचन को सुने, और हम जानते कि वहाँ उस इलाका नवातू इलाका में एक आश्चर्यक्रम होगा, और परमेश्वर के जो कार्य है और राज वहाँ बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी रोहित और उसके परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें कि उसका परमेश्वर का आशीष उन पर रहे। कठिनाइयाँ से हुए वहाँ पर मिनिस्ट्री करते हैं, ईजी नहीं है उस इलाका में, दूर दूर जाना पड़ता है, स्पेशली मंगेरे जो फार्म लैंड है, तो घर दूर दूर है, उस वे सुबह जाकर पिक करते हैं मेंबर्स को दूर दूर, तो उनके लिए प्रार्थना करते रहना। और जैसे पादरी भी ने कहा है कि वहाँ का जो चर्च बिल्डिंग, प्रॉपर बिल्डिंग हमें बनाना है,
क्योंकि अभी सॉर्ट ऑफ एक से सॉर्ट ऑफ एक पोच में थोड़ा बड़ा से बनाई से पादरी रोहित अपना घर के साइड में और वहाँ पर सभा होता है, लेकिन बगल में कलीसिया का प्रॉपर्टी है लेकिन खाली सीमेंट फ्लोर है, हमें उस पर बिल्डिंग खड़ा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विश्वास से होगा और कि आप देखेंगे कि जब हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, सहयोग देंगे, ये काम पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, गॉड ब्लेस यू। मैं हाल ही से सूचना दे दूँ, दूसरा सभा हमारे 11 बजे इंग्लिश सर्विस वो रहेगा और निमंत्रण है आपको इसमें भी रुक कर भाग लेने के लिए। आज शाम को 3 बजे जो इतोके सर्विस है, जो हमारे इतोके फैमिलीज है चर्च में, वो 3 बजे उनका सभा आज रहेगा। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे प्रार्थना सभा यहाँ पर रहेगा। लास्ट ट्यूसडे हम आकर एक साथ में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मे बी अबाउट 6-7 बच्चे आए थे, वे अलग से हम प्रार्थना करते थे एक दूसरे के लिए। हम चाहते हैं कि और लोग आए, समय बिताएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और समय बिताए प्रार्थना में, परमेश्वर आशीष देगा। जो थर्सडे लाइव ग्रुप मीटिंग्स जो घर घर पर होता है, अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना क्या होता है। सुबह बुलेटिन में लास्ट पेज में सुबह में भाई जोवेल जोनम के घर पर वहाँ लिखा है, न्यूटाउन वाले ले वो लिखा नहीं है, लेकिन भाई अरुणेश जेसिका के घर पर सभा है इस थर्सडे को। अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक आपके घर, आपके अंकल नवेंद्रा के घर पर ट्रिपल एन का जो प्रेयर मीटिंग रहेगा थर्सडे को, तो अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि थर्सडे को क्या होता है और इसमें शामिल रहें। खासकर एक जो यीशु मसीह को नहीं जानते, अविश्वासी जो है हम कहते हैं, उनको लेकर आए साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्राइडे मेरे ख्याल से दिवाली पब्लिक हॉलीडे, तो हम यहाँ सभा नहीं रही फ्राइडे को यहाँ पर, दिवाली है उसके कारण नहीं, लेकिन बिकॉज पब्लिक हॉलीडे है और यूजली डेट डिस्टर्बेंस रहे पटाखा वो सब, तो हम सर्विस फ्राइडे को सभा यहाँ पर नहीं रहेगा। पादरी ने अब बहुत दिन से लिखता है कि दिवाली हमारे त्यौहार नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह जीवन का ज्योति है, इस पृथ्वी का ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो लेकिन हम जानते हैं कि हमारे परिवार, कई परिवार हिंदू हैं और वे निमंत्रण देते हैं, दोस्त मित्र हैं, तो सावधानी से हम उनके साथ में अगर निमंत्रण है इसे, बट सावधानी से, हमारे त्यौहार नहीं है, उनको जानना चाहिए कि हम मसीह विश्वासी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो और सूचना आप बुलेटिन में देख लेंगे कि क्या होता है, और जानकारी अगर चाहते हैं तो ज़रूर आकर पूछ लें और आपको मदद मिल जाएगा। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड, वो दुम्बाती लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। मैं एक चीज़ नहीं किया, सबको स्वागत नहीं किया, और हमारे साथ में कुछ नए लोग हैं, आंटी अभियस्वती, अकेली आप वाइफ कर देना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको क्यों नहीं स्वागत करें, वह पीछे बैठी है, धन्यवाद। बती कैसे प्रोनाउंस करो, बती कर्म कामा, बती कामा लंबासा से, सॉरी लंबासा बतनी कामा, और राइट बतनी कामा, हम लंबासा के नहीं है तो प्रोनाउंस नहीं कर पाता ऐसे। स्वागत है आंटी, गॉड ब्लेस यू, आप आए। निहेश अश्विनी नकाशी से, ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आप आए सभा में। और सिस्टर मरियम्मा है बेटी वहाँ पर, प्रेज द लॉर्ड, रोदाला बीच से, गॉड ब्लेस यू, गुड टू सी यू, थैंक यू आप आए और आग्रह करते सब एक दूसरे से उनसे मिल लें और परिचय कर ले अपना, और गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद आप आए हैं। आंटी यहाँ ढेर लंबासा के पीपल हैं, आप कोई ना कोई फैमिली मिल जाएगा यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद हम जो मेरे ख्याल से जो ER13 कितने ER13 फ्रॉम 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सब नीचे, अच्छा कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे ख्याल से उनका एग्जाम भी है अभी इस हफ्ता, क्यों नहीं हम खड़े जाए, अपने चंदा 10 मार्क्स ले लें और
worship you, Lord. अब जाने कि जब हम देते हैं प्रभु के लिए, ये एक एक्ट ऑफ वर्शिप है. इट्स अ सेक्रीफाइस. जब हम करते हैं, हम कुछ देते हैं प्रभु को, अपने जो हमारे पास है, जो हमें कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ गिव करना पड़ता है. ये हम दिल से करते हैं, खुशी से, अपने हृदय से, मन से, क्योंकि हम जानते हैं विश्वास से, जैसे आज का वचन था, कि प्रभु का आशीष हमारे जीवन में था और रहेगा हर वक्त. प्रेज द लॉर्ड. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए. धन्यवाद आपके वादाओं के लिए जो कभी ना बदलता है, जो हमारे लिए है. धन्यवाद उसके लिए. धन्यवाद कि तू हमें ऐसा काबिल बना दिया कि हम आपके राज में कार्य कर सकते, आपके राज में अपना चंदा ला सकते, दशमांश ला सकते. पिता, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमें हम जानते हैं तेरे ओर से और तेरी ही महिमा के लिए, तो जैसे लोग लाए हैं अपने चंदा दशमांश, हर एक जन पर पिता तू आशीष भर दे, उनको जीवन भरपूर जीवन रहे, आनंद के जीवन रहे, खुशहाली के जीवन रहे. कि हम जानते कि हमारे भरोसा तुझ पर है. जो कुछ हमारे पास आता है सब तुझ से आता है. तू हमारे मालिक है पिता. धन्यवाद सब पर तेरा अभिषेकता आशीष रहे, उनके घर पर, उनके परिवार पर, नौकरी पर पिता, उनके बच्चों पर, आने जाने में, पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज पे पिता तेरा अभिषेकता आशीष रहे. और साथ साथ हम याद करते जो फॉर्म सेवन स्टूडेंट्स है, जो स्कूल स्टूडेंट्स है, चाहे जोन भी ईआई में है पिता, अगर उनका एग्जाम्स आता है, खासकर जो फॉर्म सेवन एग्जाम, प्रार्थना करते पिता कि तू उनको बुद्धि ज्ञान से भर दे, उनको ऐसा मदद कर दे, सामर्थ दे कि वे मेहनत करें, वे पढ़ेंगे, समझेंगे और जब एग्जाम करेंगे पिता वो अच्छी तरह से करेंगे, घबराएंगे नहीं, लेकिन अच्छी तरह से कर अच्छे अच्छे मार्क पाकर और तेरा ही महिमा और धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद उनको आपके हाथ पे सौंपते हैं. याद करते हैं जो जो बीमार है, शायद संकट में, समस्या में है पिता, तू उनको अपना जो सच्चा जो रूप है उनको अपने उनके हृदय में तू प्रकट कर, कि वे पहचानेंगे कि हर एक चीज़ में तू उनके साथ में, तू सामर्थ्य देता है, तू चंगाई देता है, तू छुटकारा देता है. धन्यवाद पिता. धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, सभी को, और इस खासकर इस चंदा दशमांश को आपके हाथ में सौंपते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमेन. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. आप बैठ सकते हैं. जैसे चंदा लेता है, धन्यवाद देते परमेश्वर को. मैं कुछ दिन नहीं था यहाँ पर, और धन्यवाद देते परमेश्वर को कि सही सलामत ले गया हमें और मेरा पत्नी को. और वहाँ पर पादरी शलेन सिडनी में, पादरी विघ्नेश दयाल और मेरे बहन है शील, और मेरा आंटी जो ब्रिस्बेन में, मेरा फुआ, वो उनकी तरफ से ग्रीटिंग्स है. और वे याद करते, प्रार्थना करते और चाहे कि हम एक साथ में उनके लिए प्रार्थना करें, और वे हमारे लिए कितने आशीष बने. तो धन्यवाद कहते परमेश्वर को उनके जीवन के लिए, उनके मिनिस्ट्री जुनवा है. हमारे कर्तव्य होता है कि उनके लिए प्रार्थना करते रहे. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. थैंक यू वेरी मच. किसी के पास टेस्टमनी, जैसे लास्ट ऑफरिंग कलेक्ट किया था, किसी के पास टेस्टमनी अगर आप शेयर करना चाहते हैं, फ्यू मिनट्स, कोई है अगर अपना टेस्टमनी शेयर. आप टेस्टमनी जब शेयर करता है और लोग का विश्वास बढ़ता है, तो कभी चुकना नहीं अपना टेस्टमनी शेयर करने की. परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया, कोई नहीं, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं. पिता धन्यवाद देते इस दिन के लिए. जैसे हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे पिता, हम तेरी ही महिमा प्रशंसा करते हुए जाएंगे. प्रभु तेरा अनुग्रह, कृपा, तेरा प्रेम हमारे अंदर से बाहर जाते रहे, और लोग पहचानेंगे
हमारे जीवन के द्वारा कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है जो उनसे प्रेम करता है। धन्यवाद पिता, आपका महिमा स्तुति और हो हर हमेशा के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं, एकदम भाग नहीं जाना प्लीज, एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। गॉड ब्लेस यू। ओ, किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी ना, किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? नहीं? और अगर कोई बीमार है, कुछ खास प्रार्थना आप चाहते हैं तो कुछ समय लेकर वेट कर लेना, कुछ लोग हैं यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।